philosopher and one of the greatest non-violent freedom fighters of world history. The people of India call him father of nation, and some of them also blame him for the partition of India and Pakistan. January 29, 1948. My dear Kishorilal, I am utilizing the time after the morning prayers to write this. You did well to give me the news about death of Chakranji's daughter. I have written to him. The plan about my going to Sevagram is still indefinite. If I could be said to have done in Delhi, it might not be necessary for me to be here to keep my pledge for do or die. But that is for the people here to judge. The question will perhaps is decided tomorrow. Yours, Bapu. Last letter written by Mahatma Gandhi on 29 January 1948, a day before his assassination. Later in the evening of 29 January 1948, Birla House, Delhi, at 8:25 PM. Aapki khansi ki dawai ya. अंजाम देने का निर्णय लिया है और मैं उनकी गतिविधियों से बहुत अच्छी तरह से अवगत हूं। वो कौन लोग हैं या कौन सा समुदाय है? इससे कई ज्यादा अहमियत इस बात की है कि
वो या तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बापू ये जिसकी भी सोच है जैसी भी है मेरी समझ से ये गलत है। इस जानकारी से तुमने मेरे मन में चल रहे हजारों सवालों को फिर से झंझोड़ दिया। मैं यहाँ सवालों को सुलझाने या गलतियां बताने नहीं आया बापू। आपको जानकारी देना मैंने अपना नैतिक कर्तव्य समझा। मुझे मेरे कर्मों का भय है इसलिए चला रहा। अच्छा लगा तुम ऐसा सोचते हो। इंसानों को अपनी नैतिक कर्तव्यों का एहसास और कर्मों का भय होना चाहिए। मैं अपनी मृत्यु से ज्यादा जाने अनजाने में की गई गलतियों से ज्यादा भयभीत रहता हूं। इंसान और ईश्वर में यही तो फर्क है। इंसान गलतियां करते हैं बाबू, पर आप और मुझ में उतना ही फर्क है जितना एक ईश्वर इंसान में। जब हमने इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं है तो हम होते कौन है आपकी गलतियों को आंकने वाले? पर वजह जानना मेरा भी नैतिक कर्तव्य है। थोड़ा पानी पी लो। गलतियों को याद कर मैं अपने आक्रोश और रंजिश को हवा नहीं देना चाहता बाबू। मैं आग्रह करता हूं पार्टीशन कुदरत वहां नौकरी जैसे जगह पे हुए कतलेआम, रावलपिंडी में मानवता के साथ किया गया घृणा मजाक, पाकिस्तान को दिए गए 75 करोड़ रुपए, जिन्ना और नेहरू की सियासी चाले, भगत सिंह की फांसी, यहां तक कि सावरकर की हिंदू राष्ट्र की नीतियां, ये सब आपके आपके नदियों में वोट में पनपे ही वो दिमाग थे जो रहे तो आपके साथ मगर आपको अंदर से खोखला करते चले गए। आपकी नीतियों के आड़ में बैठ के ये सब अपना राजनीतिक खेल खेलते रहे और भारत दो टुकड़ों में बट गया। क्या आपने इसी भारत का सपना देखा था बाबू? अगर हाँ तो ये मैं नहीं मानता बाबू। जहां अर्थशास्त्र और कूटनीतियों की जरूरत थी वहां आपने समाजशास्त्र के नियमों का पालन किया और इसका परिणाम सारे देश को भुगतना पड़ा। नौकरियों में हिंदुओं पे हुए हिंसा पर अपने पर्दा डालने के लिए अहिंसा का सहारा लिया, तब आपका सत्य कहाँ गया था बापू? सत्य और अहिंसा की लड़ाई में देर तो लगती है पर उसका असर ना कभी गलत होता है और ना कभी खत्म। बापू इट्स नॉट अबाउट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सवाल तो यह कि आपकी नीतियों से आपने क्या हासिल किया? सच तो यह है कि आपकी नीतियों से आजाद भारत की जगह विभाजित भारत दे दिया, 20 लाख बेघरों को मौत के घाट उतार दिया और 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। I did what I felt right for this country. My intentions were never wrong. क्या तुम्हें भी लगता है कि विभाजित भारत मेरा सपना था? भारत का विभाजित मेरे लाश पे होगा ये आपने कहा था बाबू। मुझे जानकारी है उस कांग्रेस अधिवेशन की जिसमें आपको बिना बताए ये नियम लाया गया था। विभाजन एक मजबूरी थी और अंग्रेजों की आखिरी चाल। उन्हें पता था कि आजादी के बाद एक बड़े भारत का एक बड़े महान भारत का उदय होगा, इसलिए उन्होंने हमें तोड़ दिया। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज को तो जाते हुए 200 साल से हमारे पर राज किया, पर आपने क्या इसी भारत का सपना देखा था? I'm not blaming you, Papu, but yes, either you had resigned or you had surrendered. अंग्रेज तो चले गए पर आप आज भी उन्हीं दोगले राजनेताओं के साथ घिरे हुए हैं। उन्होंने तो सिर्फ सपना देखा है आजादी का ताकि सत्ता की कमान अपने हाथों में ले सके। बापू ये आजादी नहीं है। अंग्रेजों ने इन्हीं दोगले राजनेताओं के साथ मिलकर भारत के दो टुकड़े कर दिए, हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया और फिर बड़ी बेशर्मी के साथ आपके नाम पर इसे पीसफुल पावर ट्रांसफर का नाम दे दिया। मैंने हमेशा एक आजाद भारत की कल्पना की थी पर हमें दो मिले। मैं अब तक नहीं समझ पाया कि हमें दो आजाद भारत मिले हैं
या दो पाकिस्तान, कल तक दिल्ली और कराची में कोई फर्क नहीं था, लेकिन आज उसी फर्क की वजह से लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं। अगर ये मेरी गलती है तो सारे आवाम की भी गलती है, फिर लोग मुझे ही क्यों इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं? जिम्मेदार सिर्फ आप नहीं है बापू, जिन गलतियों पे आप अनजान रहे वो गलती आपके लोग जानबूझ के करते रहे। बापू ये आजादी नहीं है, दिल्ली और कराची में फर्क था तो उनके फायदे के लिए, और आज उनमें फर्क आया तो भी उनके फायदे के लिए। बापू असत्याग्रही नेवर फेल्स, मेरी लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई है। भारत में हिंदू और मुसलमान ये भारत के अभिनंग है, जब तक ये एक नहीं हो जाते मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी। कैसी लड़ाई बापू, पहले हम अंग्रेजों से अपनों के लिए लड़े और आज अपनों के लिए अपनों से लिए लड़ रहे हैं। बापू आप इस राष्ट्र के प्रतीक हैं, लोगों का विश्वास आप में है, उनको का प्रश्न राजनीतियों में नहीं। बापू आपने चाटा खाना तो सिखा दिया, पर किन हाथों से खाना चाहिए ये कभी नहीं बताया। तुमने अब तक अपना परिचय नहीं दिया। मैं नाथुराम घोडसे, अग्रणी और हिंदुस्तान राष्ट्र का एडिटर। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने तुम्हें चुना है। इरादा हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।